नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे भाषा अभ्यास में पाठ 8 प्यारे पेड़। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। पाठ प्यारे पेड़ के आधार पर सही वाक्य बनाकर लिखिए। अब आप भी मेरे साथ साथ इन वाक्यों को बोलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। अब बच्चे बताइए क्या कर रहे थे। बच्चे ढूंढो इसमें से। बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, तो ये है नंबर 1। कोयल, अब कोयल क्या करती है बताओ। कोयल डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती थी, ये क्या है नंबर 2। अब तोते क्या कर रहे थे। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। लकड़हारे क्या कर रहे थे। लकड़हारे पेड़ काटने को तैयार खड़े थे, नंबर 4। नंबर 5, अब चिड़िया क्या करने लगती हैं। चहकने लगी। चिड़िया क्या करने लगी, चहकने लगी। और गिलहरियां फुदकने लगी। अब हम इन वाक्यों को यहाँ लिखेंगे। क, बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, ये देखो लिखा है ना, बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। नंबर 2, कोयल, पहले हम लिखेंगे कोयल। कोयल क्या कर रही है, डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती थी। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। लकड़हारे क्या करने को, लकड़हारे पेड़ काटने को तैयार खड़े थे। चिड़िया चहकने लगी और गिलहरियां फुदकने लगी। अब आप भी इन वाक्यों को साफ साफ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्द जाल में से पेड़ों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब ये शब्द जाल है, अब हम इनमें से पेड़ों के नामों को ढूंढेंगे। सबसे पहले कहाँ दिखाई दे रहा है आपको बताइए, पीपल। हम यहां लिखेंगे पीपल। फिर आम, फिर नीम। अब बताइए अमरूद।
बबूल। और अब बरगद। कौन कौन से पेड़? पीपल, आम, नीम, अमरूद, बबूल, बरगद। प्रश्न नंबर 8, दिए गए शब्द जाल में से पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब जैसे हमने पेड़ों के नाम ढूंढकर लिखे ना, ऐसे ही हम पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखेंगे। अब सबसे पहले देखो कौन दिखाई दे रहा है आपको, चिड़िया। अब कौन दिखाई दे रहा है बताइए, चील। कबूतर। मोर। कोयल। और ढूंढो आप मेरे साथ साथ बताइए, तोता। ध्यान पूर्वक देखो, अब बताइए और कौन कौन है, बुलबुल। प्रश्न नंबर 9, पाठ प्यारे पेड़ में पेड़ से जुड़े कई शब्द आए हैं, आप स्कूल से जुड़े शब्द लिखिए। अब पेड़ से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? पेड़ से जुड़े शब्द, छाया, पेड़ हमें छाया देता है, चिड़िया घोंसला बनाती है, चिड़िया पेड़ पर बैठती है, और पेड़ की डाली। अब ये है स्कूल। अब हमने स्कूल से संबंधित 4 शब्द बनाते हैं, बताइए। अब स्कूल से क्या बनेगा बताओ, स्कूल में कौन होते हैं बताओ, बच्चे। क्या करने जाते हैं? पढ़ने। और पढ़ाता कौन है? अध्यापक। आप पढ़ने के लिए क्या लेके जाते हो? किताबें। इनको हम पुस्तकें भी कहते हैं। और किताबों को किस में रख के लेकर जाते हो? बस्ता। अब स्कूल से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? बच्चे, अध्यापक, किताबें और बस्ता। अब आप इस पाठ को साफ साफ अपनी किताब में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।